था कि आप लोग गलती से उसे अंदर लॉक कर। जब लैच खोला था तो विशिता जी टेरेस पे चली गई थी, राइट? नहीं नहीं, उसे लड्डू बहुत पसंद आए, तभी तो अभी मैं आई हूँ। एक मिनट आगे ये बताइए कि जब आपके घर पर ऋषिता जी आई थी तो कुछ हुआ था क्या, कुछ आपको याद हो कुछ भी? हाँ, वो अचानक से उधर चली गई और वो कह रही थी कि मैं टेरेस पे जा रही हूँ, लड्डू भी नहीं लेकर। अरे ये चांस है लेना। फिर उठकर चली गई और वो कह रही थी, मैं जानता हूँ उसके बाबू जी। और तो हाँ, और अचानक से उठकर चली गई और वो कह रही थी कि वो टेरेस पे जा रहे थे और लड्डू भी नहीं लेकर गए। है नहीं लड्डू? नहीं, सबकी बातें सुनकर तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि शगुन की आत्मा इनके अंदर है और जो जो हरकतें हो रही हैं, मतलब रमन भाई को गन पकड़ी जा रही है और आज तो उनके ऊपर वो इतना बड़ा सा पत्थर क्या बोलते हैं जिसमें कूटते हैं, सील बट्टा स्क्रिप्ट पे भी मैं चार बार पढ़ चुका हूँ उसका नाम, तो वो भी ऊपर से एक बार गिर चुका है, मतलब उन्हीं पर हमेशा अटैक हो रहे हैं। इशिता होती तो वो अटैक करती नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वो रमन पर अटैक करेगी, तो कहीं ना कहीं तो हमको यही शक हो रहा है कि सच में शगुन की आत्मा उसके अंदर है कि क्या है जिस वजह से उन पर अटैक हो रहा है, हमारे भाई पर अटैक हो रहा है, उनको काफ़ी चोट भी आई है, क्या बोलते हैं पटाखा बम फट गया, निशान आगे हुए हैं। सो ये कौन कर रहा है एक्चुअली में वो तो अभी तक हमें भी नहीं पता है, सिर्फ शक है, बट लेट्स सी
क्या था ये कौन है, आई विश पकड़ा जाए जल्दी से और थोड़ा हमारे घर में शांति आ जाए। बहुत देर से बहुत मुसीबतें आ रही जा रही हैं, पूरा ब्लेम इशिता पर ही चला जा रहा है। हाँ। बहुत दुखी हो गई मतलब इस तरह के, हालांकि वो भी ऐसा नहीं कर सकते। अब वो ऐसा नहीं कर रही हैं, बस उनको भी शायद करवाया जा रहा है, तो यू नेवर नो कि वही कर रही हैं कि नहीं कर रही है, वही एक्चुअली पॉइंट है। हमारा शक उन्हीं पर जा रहा है क्योंकि वही उल्टी हरकतें करते आ रही है काफ़ी टाइम से, बट आई होप कि वो ना कर रही हूँ क्योंकि वो ऐसी है नहीं, सो वो नेगेटिव अच्छी लगती भी नहीं है। वो जगत माता हैं तो जय माता दी।